हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 20 ऑफ ACCA F9, और उस चैप्टर का नाम है बिजनेस वैल्यूएशन एंड मार्केट एफिशिएंसी. सो गाइस, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसकी वीडियोज़ बनाने में, क्योंकि मेरी क्लासेज जो मेरी लाइव क्लासेज हैं उसमें आई गॉट रियली ऑक्यूपाइड, प्लस उसके बाद मैं बीमार भी पड़ गया था, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा चल गया, बट देर आए दुरुस्त आई. तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस चैप्टर गाइस. सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस यहाँ पे, दैट इज अर्निंग यील्ड. तो अर्निंग यील्ड से कैसे हम अपना बिजनेस की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं. तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि पीई रेशो से हम कैसे अपना आंसर निकाल सकते हैं. तो सिंपली अगर हमें टोटल अर्निंग गिवन है, तो हमने पढ़ा था कि टोटल अर्निंग इंटू पीई रेशो, ये हमारी वैल्यूएशन आ जाएगी, टोटल वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, है ना, टोटल वैल्यूएशन. और अगर हमें अर्निंग पर शेयर गिवन है, तो अर्निंग पर शेयर इनटू पीई रेशो, ये हमारा आ जाता है वैल्यू पर शेयर. यहां से हमारी आ जाती है वैल्यू पर शेयर, और फिर वैल्यू पर शेयर आने के बाद उसको मिंटू करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, और हमारी टोटल वैल्यूएशन आ जाती है. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि अर्निंग यील्ड से कैसे हम अपनी बिजनेस की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं. गाइस, अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला पीई रेशो का फॉर्मूले का टोटल इन्वर्स होता है. सो पीई रेशो का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, ईपीएस. तो हमारा जो अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला होता है, इट इज अर्निंग पर शेयर अपॉन प्राइस पर शेयर. तो उल्ट बिल्कुल उसका रिवर्स होता है, तो फॉर्मूला भी हमारा एग्जैक्ट रिवर्स हो जाएगा. तो टोटल वैल्यूएशन हमारी क्या हो जाएगी? टोटल अर्निंग इनटू वन डिवाइडेड बाय अर्निंग यील्ड. और अगर हमारे को पर शेयर दिया हुआ है ईपीएस, तो ईपीएस इनटू वन डिवाइड बाय अर्निंग यील्ड, वो आ जाएगी वैल्यू पर शेयर, और हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स, और हमारा आंसर आ जाएगा बिजनेस की वैल्यूएशन. अब यहाँ पे एक एडवांटेज हमें क्या है कि हम यहाँ पे ग्रोथ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. कैसे? जब अपना टोटल वैल्यूएशन ऑफ कंपनी लगाएंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अर्निंग्स इनटू वन प्लस ग्रोथ डिवाइड बाय अर्निंग यील्ड माइनस ग्रोथ. ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा अगर हमने ग्रोथ को इनकॉर्पोरेट करना है. तो दिस फॉर्मूला यू विल हैव टू लर्न कि वैल्यू ऑफ कंपनी विल बी अर्निंग इनटू वन प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय जो भी हमारा अर्निंग यील्ड आ रहा है माइनस ग्रोथ, ठीक है. और ग्रोथ हमारा जो भी आएगा वो हमारा पॉइंट्स में, जैसे हमारा 8% है, तो दिस इज 0.08, वो हम यहाँ से माइनस कर लेंगे. दिस विल बी दी आंसर. तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम लिख लो, और ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से लर्न करना पड़ेगा. ये दोनों फॉर्मूलेस तो हमने ऑलरेडी करे हुए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट दिस फॉर्मूला वी हैव टू लर्न, ठीक है. तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या बन सकती है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन गाइस, कि अगर तुम्हारे को पीई रेशो दी हुई है और तुम्हारे को ग्रोथ दी हुई है, तो तुम कैसे आंसर निकालोगे? तो अभी तक हमें पीई रेशो दी हुई थी, तो हमने पीई रेशो में ग्रोथ का तो कुछ भी नहीं करा था, ठीक है ना, वहां से हमने सीधा आंसर निकाल दिया. तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि पीई रेशो से हम अपना अर्निंग यील्ड्स निकाल देंगे. दैट मीन्स वन डिवाइड बाय पीई रेशो, वो हमारा अर्निंग यील्ड आ जाएगा, और अर्निंग यील्ड निकालने के बाद हम वैल्यूएशन ऑफ कंपनी निकाल सकते हैं थ्रू ग्रोथ. याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. चलो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं. तो लेट्स डू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 3. इसमें हमें क्या दिया हुआ है? कंपनी ए हैज अर्निंग ऑफ 300,000 डॉलर्स ग्रोइंग एट 3% पर ईयर, के हर साल 3% की ग्रोथ हो रही है. अ सिमिलर लिस्टेड कंपनी हैज अर्निंग यील्ड ऑफ 12.5%, के उसी की जो कंपनी ए है, इसी की दूसरी, इसी इंडस्ट्री की जो दूसरी कंपनी है सेम लेवल पे, उसका जो अर्निंग यील्ड आ रहा है वो 12.5% आ रहा है. तो उस केस में हम कैसे इस कंपनी की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? सिंपल, 3 लाख वन प्लस ग्रोथ विच इज 0.03 डिवाइडेड बाय अर्निंग यील्ड, दैट मीन्स 0.125 माइनस ग्रोथ विच इज 0.03. सिंपल फॉर्मूला, बस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज डालनी है कि 3 लाख इंटू वन प्लस 0.03 डिवाइड बाय अर्निंग यील्ड विच इज 12.5, तो 0.125 माइनस 0.03, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है. तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 3 लाख
इंटू 1.03 या अगर 309000 डिवाइडेड बाय 0.125 माइनस 0.03 0.095 309000 डिवाइड बाय 0.095 इट इज़ 3252631.578 ऐसा कुछ आ रहा है. सो दिस इज इस कंपनी की जो वैल्यूएशन आ रही है दिस इज 3252632 कंपनी बी है जिसकी अर्निंग है 4,20,500 दैट मीन्स से काफ़ी ज़्यादा लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं है और हमें यहाँ पे पीई रेशियो दी हुई है 7 तो इसकी अगर हम वैल्यूएशन करेंगे इट इज़ 4,20,500 इंटू 7 सो 4,20,500 इंटू 7 सो दिस इज 2,94,350 सो दैट मीन्स देखा जाए तो हमारी फर्स्ट कंपनी की जो वैल्यूएशन है दैट इज़ हायर. फर्स्ट कंपनी की वैल्यूएशन हमारी ज़्यादा है तो दिस कंपनी इज़ बेटर. ठीक है गाइस. अच्छा इसमें गाइस एक चीज़ और क्या है, इन्होंने जो अर्निंग यील्ड बताई हुई है ये परसेंटेज में हमें निकालनी है तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ईपीएस अपॉन प्राइस पर शेयर इंटू 100 ईपीएस अपॉन प्राइस पर शेयर इंटू 100 ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज में. अगर हमें परसेंटेज नहीं निकालना तो सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन करा इसकी अगर ईपीएस एक्चुअली आती, देखो अर्निंग पर शेयर नॉर्मली हमारा प्राइस पर शेयर से कम होता है ना, हमेशा इससे कम ही होगा तो अर्निंग पर शेयर हमारा प्राइस पर शेयर से कम है, बहुत रेयर केसेज है जहाँ पे ऐसे उल्टा होगा. तो यहाँ पे जो हमारा अर्निंग पर शेयर है वो 12.5% आ रहा है दैट मीन्स इसका जो आंसर आ रहा होगा इट शुड बी 0.125 ये जो कैलकुलेशन होगी इट शुड बी 0.125. इन्होंने क्या किया इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 12.5% निकाल दी. तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, फॉर्मूला वही है बस अगर परसेंटेज में है तो हम इनटू 100 कर देंगे अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड. चलो अब गाइस नेक्स्ट जो हमारा तरीका आता है दैट इज कैश फ्लो बेस्ड मेथड्स जो कि नॉर्मली बहुत सारे बिजनेसेस यूज करते हैं. तो कैश फ्लो बेस्ड मेथड में क्या होता है वो ये देखते हैं कि अगले कुछ सालों में हमें कितना कैश आने वाला है कि हम बिजनेस में इनिशियली इतना पैसा लगाएंगे आगे जाके हमें कितना पैसा आने वाला है और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूएशन निकालते हैं. तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल DVM यहाँ पे मतलब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल इसका हमारा यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला क्या बताया हुआ है. सो इट्स सिंपली अगर डिविडेंड के बेस पे हमें कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी है इट इज P0 मतलब वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी. ठीक है इट इज टोटल डिविडेंड जो कंपनी देगी डिवाइड बाय RE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी कि टोटल डिविडेंड जितना कंपनी देगी शेयर होल्डर को डिवाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी वहां से हमें पता चल जाएगा कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है. सिंपल सा लॉजिक है ना गाइज, अगर मैं बोलूं कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है 10 लाख लेट से 10 लाख और मैं जो डिविडेंड दूंगा वो मैं दूंगा लेट से 15% मैं डिविडेंड दूंगा 15% दैट मीन्स 1,50,000 मुझे डिविडेंड आएगा, इतना मुझे डिविडेंड आएगा तो इतनी कंपनी की वैल्यूएशन है. तो इसी तरीके से इन्होंने रिवर्स कैलकुलेशन करके वैल्यूएशन निकाल दी कि टोटल डिविडेंड जितना कंपनी को आएगा टोटल डिविडेंड सो यू कैन ऑल्सो राइट वैल्यूएशन इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी. और अगर हमें इसमें ग्रोथ को इनकॉर्पोरेट करना है तो सिंपल वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर पढ़ा था टोटल डिविडेंड 1+ ग्रोथ डिवाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस ग्रोथ इससे आ जाएगी हमारी वैल्यूएशन. सिंपल ठीक है. अब गाइस डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल अगर हम यूज करते हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस तो इसके हमारे फायदे क्या हैं नुकसान क्या है. अब देखो गाइस सो ये जो मेथड है ये थ्योरेटिकली अच्छा लगता है लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान है. पहला देयर में बी प्रॉब्लम एस्टिमेटिंग फ्यूचर ग्रोथ रेट के फ्यूचर ग्रोथ रेट हमारा क्या होगा ये हम एस्टिमेट नहीं कर सकते तो वैल्यूएशन हमारी गलत हो सकती है. दूसरा हम अज्यूम करते हैं ग्रोथ कांस्टेंट होंगी जबकि ऐसा नहीं है, बहुत कंपनीज की ग्रोथ अलग अलग होती है, कई बार ग्रोथ होती है कई बार ग्रोथ नहीं होती. ठीक है. तीसरा
इसमें यहाँ पे अगर हम कोई भी चेंज करते हैं, जैसे डिविडेंड में कोई चेंज आ गया कि हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी टोटल डिविडेंड पूरी लाइफ में इतना देगी, जबकि हो सकता है रिटेन्ड अर्निंग चाहिए हो, कंपनी को आगे ग्रोथ करनी हो, कुछ भी चाहिए हो, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी अजम्पशंस लेनी पड़ती है। तो इसीलिए जो वैल्यूएशन है ये बहुत प्रॉपर नहीं मानी जाती। नेक्स्ट, इट अज्यूम्स दैट द ग्रोथ रेट इज़ लोअर देन द शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हम हमेशा अज्यूम क्या करते हैं कि जो भी हमारा आर ई है इससे कम है ग्रोथ रेट। अगर आर ई से ज़्यादा ग्रोथ रेट हो गई तो ये नेगेटिव हो जाएगा और हमारा आंसर इसका आ ही नहीं सकता। हम हमेशा ये सबसे बड़ी बात है, हम अज्यूम करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो हमारा है हमेशा ग्रोथ रेट उससे कम है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो डिनोमिनेटर में आर ई माइनस ग्रोथ नेगेटिव आ जाएगा, और जब भी डिनोमिनेटर में कुछ नेगेटिव होता है तो इसका आंसर इन्फिनिटी होता है, तो इसका आंसर कभी नहीं आ सकता। नेक्स्ट, फॉर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इट ऑफर्स फ्यू एडवांटेज ओवर अर्निंग मेथड बिलो। के जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है बेसिकली, जो लोग जैसे हमने उस चैप्टर में पढ़ा था जब हमने कंसोलिडेशन करा था F7 और F3 में, तो जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले हैं उनको इससे फ़ायदा थोड़ा हो जाता है, क्योंकि डिविडेंड के बेस पे हम वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, तो अगर ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा तो वैल्यूएशन भी ज़्यादा आएगी। इसीलिए अर्निंग से ज़्यादा कई बार इसको बेटर माना जाता है कि अगर ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है, ज़्यादा डिविडेंड कंपनी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को एज पर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, तो इसकी वैल्यूएशन भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो यूज़ दिस अप्रोच फॉर वैल्यूएशन वी नीड टू बी एबल टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें निकालनी है, और इसका गाइस हमारा जो फॉर्मूला लगता है, अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी डायरेक्टली दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो हमें याद है एक फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का तरीका होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इनटू रिस्क, जो रिटर्न हमारा मार्केट का होता है, माइनस जो हमारा रेट होता है रिस्क फ्री वाला, उसको माइनस करके ये हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी आता है। हमें ये भी यूज़ कर करना पड़ सकता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द डीवीएम कैलकुलेट्स द एक्स डिविडेंड प्राइस इफ शेयर इज अबाउट टू पे डिविडेंड इट्स वैल्यू विल बी हायर देन दी अमाउंट ऑफ डिविडेंड। कि हम जब भी डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं हम एक्स डिविडेंड प्राइस से हम अपनी वैल्यूएशन निकालते हैं, तो अगर हम डिविडेंड देने वाले हैं इट्स वैल्यू विल बी हायर बाय द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। कि हमारा डिविडेंड हम देने वाले हैं तो इसलिए उसकी वैल्यू बाद में ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हम एक्स डिविडेंड प्राइस इंक्लूड कर रहे हैं, कम डिविडेंड प्राइस इंक्लूड नहीं कर रहे, तो इससे भी वैल्यूएशन में फ़र्क हमारा पड़ता है। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके ही ये चीज़ हमें अच्छे से समझ आएगी। तो क्वेश्चन इज, अ कंपनी हैज़ दी फॉलोइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, शेयर कैपिटल उसके है 4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू हमें ये गिवन है, करंट डिविडेंड पर शेयर इट जस्ट 24 सेंट, 24 सेंट हम करंट डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो अगर मैं करूँ 4 मिलियन इंटू 0.24, दैट मीन्स इट इज़ 960। ये हम टोटल डिविडेंड पे कर रहे हैं। डिविडेंड 4 ईयर्स अगो वॉज 15.25, करंट ईयर डिविडेंड इतना है, और 4 साल पहले डिविडेंड हमारा इतना था। ठीक है, करंट इक्विटी बीटा, हमें इक्विटी बीटा दिया हुआ है, मार्केट रेट दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, तो दैट मीन्स हमारा डिविडेंड चेंज हुआ है, तो यहाँ पे ग्रोथ है। तो सबसे पहले हमें ग्रोथ का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, इट इज़ अंडर रूट करंट ईयर डिविडेंड डिवाइड बाय, सबसे पहले जो हमने डिविडेंड दिया था 15.25 माइनस वन, और ये 4 साल का है तो हम इसको 4 कर देंगे, तो 4 दिस, और इसको कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, 24 डिवाइड बाय 15.25 -1 इज इक्वल टू 0.5737 1 डिवाइड बाय 4। अब ये अगर मैं कैलकुलेट करूँगा अपने कैलकुलेटर पे, तो जो भी मेरा आंसर आया था दिस अंडर रूट 12 टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसको मैं करूँगा देन माइनस वन करूँगा पहले इसे, -1 कैसे, एक मिनट दोबारा करता हूँ मैं, 0.5737 24 डिवाइड बाय 15.25 -1, जो भी आंसर आया अंडर रूट 12 टाइम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रखी है, रुको। 24 डिवाइड बाई 15.25 माइनस 1, जो भी आंसर आया अब अंडर रूट 12 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये करने के बाद मैं करूँगा माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, देन प्लस 1, जो भी आंसर आया इन टू इज इक्वल टू 12 टाइम्स, इन टू इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है इस मेरे को, इसको ना एक काम करता हूँ मैं, 5737 की जगह लेट मी डू इट 57.37, जस्ट गिव मी वन सेकंड, मैं इसको चेक करता हूँ। हाँ गाइस, आई थिंक इसको ऐसे करना बेटर रहेगा, कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करना है वैसे तो आंसर तुम निकाल सकते हो, बट अगर तुम्हें सिंपल कैलकुलेटर से आंसर निकालना है तो 5737 को 57.37 कर लो, 57.37, जैसे इतना परसेंटेज आ रहा है ना, तो इसको इनटू 1 डिवाइड बाय 4, तो 57.37 अंडर रूट 12 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 माइनस 1, जो भी आंसर आया इनटू 1 डिवाइड बाय 4, प्लस 1, अब इन टू इज इक्वल टू 12 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो मेरा जो आंसर आ रहा है गाइस, इट इज 2.75। नहीं गाइस, कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ है, रुको, मेरे को लग रहा है मेरे कैलकुलेटर में कुछ गड़बड़ हो रखी है। ओ यस गाइस, सॉरी, ये अंडर रूट इसका आएगा, बाद में माइनस 1 होता है, मैंने पूरे का अंडर रूट ले लिया, पता नहीं क्यों गाइस, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, तो शायद थोड़े कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स वगैरह हो सकती है गाइस, सॉरी, मुझे माफ़ करना। चलो, सो 24 डिवाइड बाय 15.25, जो भी हमारा आंसर आया तो इसको मैं कर लूँगा अंडर रूट 12 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 माइनस 1 इन टू 1 डिवाइड बाय 4, क्योंकि आई कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक दिस, तो 24 डिवाइड बाय 15.25 अंडर रूट 12 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 माइनस 1, जो भी आंसर आया इनटू 1 डिवाइड बाय 4, इनटू 1 डिवाइड बाय 4, प्लस 1, अब मैं कर दूंगा इनटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स, इनटू इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो मेरा जो आंसर आया इट इज 1.1200 माइनस 1, सो विच इज़ 0.1200 और आई कैन से 12%। तो यहाँ से जो मेरी ग्रोथ आ गई वो आ गई गाइस 12% पर एनम, तो पर एनम जो मेरी ग्रोथ आई है वो आई है 12% पर एनम, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, ये वाला। अब मुझे ग्रोथ पता है, ठीक है, मुझे रिस्क फ्री रेट पता है, मार्केट रेट पता है, करंट बीटा पता है, तो मैं रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लूँगा, इट इज़ रिस्क फ्री 0.08 प्लस बीटा विच इज 0.8, देन मार्केट रेट 0.15 माइनस 0.08, यहाँ से आ जाएगा मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दिस इज 0.15 माइनस 0.08 इनटू 0.8 प्लस 0.08, तो मेरा आंसर आ गया 0.136 और आई कैन से 13.6%। सो 13.6% मेरा आ गया आरई। अब मैं निकालूंगा अपना आंसर तो हमारा डिविडेंड टोटल कितना है और ग्रोथ कितना है, तो 9,60,000 वन प्लस 0.12 ग्रोथ अपॉन आरई 0.136 माइनस ग्रोथ 0.12, ठीक है ना, ये मेरा फॉर्मूला लग जाएगा, पूरा पूरा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, तो दिस इज 960 इनटू 1.12, इट इज 107,5200 डिवाइडेड बाय 0.136 माइनस 0.12, तो ये आ जाएगा 0.016, तो 107,5200 डिवाइड बाय 0.016, ये आंसर आता है 672,000, तो 672,000 और अगर मिलियंस में निकालना है तो 67.2 मिलियन जो हमारी है वो आएगी हमारी वैल्यूएशन। तो
तो सिंपल, मैंने जो जो चीज़ें मुझे गिवन थी वहाँ से जो जो मुझे अपने फॉर्मूले के लिए चाहिए था वो मैंने निकाल दिया, मुझे टोटल डिविडेंड पता लग गया कितना है जो मैंने दिया है, ग्रोथ मैंने यहाँ से निकाल दी। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके हम अपनी कंपनी की वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। और ये फॉर्मूले का भी तरीका गाइस ये है, सारे फॉर्मूलेज अपनी कॉपी में एक जगह लिख लो एंड कीप रिवाइजिंग दीज फॉर्मूलाज, क्योंकि पूरा चैप्टर सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ खास इसमें और नहीं है। फॉर्मूला पढ़ लिया दैट मीन्स पूरा चैप्टर तुम्हारे को क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसी की तरह है जो हमने पढ़ाया गया, जिसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो ये एक बार कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी तुम्हारा बहुत इजीली हो जाएगा। बस फर्क क्या है, आई थिंक यहाँ पे जो हमें डिविडेंड ग्रोथ है, ग्रोथ निकालने का हमारा तरीका थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, ठीक है। हमें यहाँ पे जो ग्रोथ है वो निकालने का तरीका हमारा थोड़ा सा अलग आएगा, क्योंकि हमें डिविडेंड दिया हुआ है करंट ईयर का, ठीक है ना, है ना, तो हमें करंट ईयर डिविडेंड दिया हुआ है, यहाँ पे पिछले सालों का तो डिविडेंड दिया नहीं हुआ, तो ग्रोथ यहाँ से नहीं निकाल सकते। लेकिन हमें यहाँ पे ये पता है कि हमने इतना हमारा अर्निंग पर शेयर था, इतना हमने डिविडेंड दिया है, तो यहाँ से हमारी रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी और वहाँ से हम रिटेंशन रेशो निकालेंगे कितना हम रिटेन करते हैं। तो ग्रोथ निकालने का तरीका क्या है, होता है गाइज कि जो भी हमारा रिटर्न ऑन एसेट होता है, तो रिटर्न ऑन एसेट इंटू जो भी हमारा रिटेंशन रेशो होती है, वही ग्रोथ होगी ना, कि अगर हम इतना पैसा कमा रहे हैं उसमें से इतना हम डिविडेंड बांट रहे हैं, तो जो बचा हुआ है उस पर हमारी 20% ग्रोथ होगी, कि वही पैसा बिजनेस में लग रहा है, तो जो भी पैसा बिजनेस में लगता है उस पर 20% हमें रिटर्न मिलता है। दैट मीन्स यहाँ से हम रिटेंशन रेशो निकाल लेंगे, तो रिटेंशन रेशो निकालने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा, रिटेंशन रेशो यहाँ पे आएगी 28% और यू कैन कॉल इट 0.28, ये आएगी रिटेंशन रेशो। रिटेंशन रेशो निकालने के बाद हमें पता है कि 20% हमें रिटर्न देता है, तो 0.28 इंटू 20% अगर मैं करूं, दैट मींस 0.056 और 5.6% ये हो जाएगी हमारी ग्रोथ। इस तरीके से हम यहां पे ग्रोथ गाइस निकाल सकते हैं रिटेंशन रेशो के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमने सबने पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई, मैंने बताया था ये जो चैप्टर है, ये पुराने जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं, सबको एक कंबाइन करके हमें ये चैप्टर बनाया गया है। तो बेस्ट चीज़ क्या है गाइस, जब भी तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, इसके सारे जितने भी फॉर्मूलेज तुमने अभी तक पढ़े हैं, जस्ट राइट ऑल दी फॉर्मूलाज इन वन कॉपी एंड मतलब जो भी है 20-25 पेज में सारे फॉर्मूलेज लिख लो एंड कीप रिवाइजिंग दोज फॉर्मूलाज, बिकॉज यू हैव टू लर्न दोज फॉर्मूलाज। वो फॉर्मूलाज तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे कॉन्सेप्चुअली भी, और मैंने वैसे काफ़ी चैप्टर्स में लिखवाए भी हुए हैं तुम्हें फॉर्मूलेज। तो इस तरह से हमें ये आंसर निकालना है, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो हमारे बस फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आता है गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब आता है हमारा, जैसे हमने DVM पढ़ा था, DVM मतलब डिविडेंड मेथड, अब आता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस, कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस में हम अपने बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर गाइस ये है, जो भी हमारे फ्यूचर में हमारे पास कैश इनफ्लो आएगा, फ्यूचर में जो भी हमारे पास कैश इनफ्लो आएगा, वो जो कैश होगा उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, जितने भी सालों का आएगा उन सब की हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, एंड दैट इज सिंपली आर बिजनेस की वैल्यू, सिंपल। तो हमें किस चीज़ की, किस फिगर को कैलकुलेट करना है, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई फ्री कैश फ्लो हेयर विच इज एक्सक्लूडिंग फाइनेंसिंग फ्लोज मतलब जैसे हमने लोन वगैरह लिए, तो फ्री कैश फ्लो में क्या क्या आएगा, जो भी हमारे ऑपरेटिंग इनफ्लो ऑपरेटिंग फ्लो हैं, कि ऑपरेटिंग से हमें कितना पैसा आया, ऐड कर देंगे जो भी हमारा रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एसेट है, कि अगर हमने एसेट को सेल करा है उस समय कुछ भी पैसे आए हैं तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद टैक्स है वो हम माइनस कर देंगे, डिडक्शन ऑफ ऑन गोइंग एसेट एक्सपेंडिचर, अगर कोई भी ऑन गोइंग एसेट एक्सपेंडिचर है उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, एड सिनर्जीज अराइजिंग फ्रॉम मर्जर, कि अगर हम कोई भी मर्ज करते हैं किसी दूसरी कंपनी को, वहाँ से हमें कुछ लगता है कि यहाँ से इतना हमें फ़ायदा हो सकता है, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ऑपरेटिंग फ्लोज निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, इट इज मतलब ऑपरेटिंग फ्लोज हमें वी नो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस आई थिंक एक काम करते हैं गाइस, इस पार्ट को भी छोड़ देते हैं, ये मैं क्वेश्चन से तुम्हें बताऊंगा बेसिकली हमें क्या करना है इसमें, जो हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो है कि कितना हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रहा है, सब कुछ बेसिकली हमें ये देखना है कहाँ कहाँ से हमें कैश आ रहा है एक्सेप्ट फाइनेंसिंग फ्लोस, कहाँ कहाँ से हमें कैश आ रहा है वो हम सारा देखेंगे, मतलब यहाँ पे हमें
इंटरेस्ट जो हमने पे किया उसको माइनस नहीं करना, फाइनेंसिंग फ्लोज का कुछ नहीं करना हमें, ऑपरेटिंग फ्लोज जहां जहां से भी मैं टैक्स का बेनिफिट हो रहा है वो सब कुछ मैं तुम्हें क्वेश्चन से कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सिनर्जीज फ्रॉम एनी मर्जर, कि अगर हम किसी भी कंपनी के साथ मर्ज करते हैं और वहां से हमें कोई बेनिफिट होता है वो हम कंसिडर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे सेम थिंग, वहां से हमें ये चीज़ क्लियर होगी। और उसके बाद टाइम हॉरिजॉन, अगर हमें बताया हुआ है कि इतने टाइम के लिए 10 साल के लिए ऐसा मिलेगा तो 10 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, 2 साल दिया हुआ है तो 2 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इससे जो हमारी फिगर आएगी इट विल बी दी वैल्यू टू ऑल प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस के इक्विटी प्लस डेट दोनों की मिला के हमारी वैल्यूएशन क्या आ रही है, हमें देखनी है वैल्यू फॉर इक्विटी। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें डिडक्ट दी वैल्यू ऑफ डेट, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें से हम माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ डेट और हमारा आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। एक काम करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं एंड क्वेश्चन करके हम चीजों को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 6। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बी कंपनी। इतना रेवेन्यू है, इतना प्रोडक्शन एक्सपेंसिस, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव, इतना टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन, इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस में करी है, मतलब इतने पैसे हमने बिजनेस में लगाए थे एक साल में, और कॉरपोरेट डेट मतलब जो लोन है 14 मिलियन का लोन हमने लिया था जो आज की डेट में 130% पे चल रहा है, दैट मींस आज की डेट का जो लोन है इट इज़ 14 × 130%, दैट मींस आज की डेट में इस लोन की वैल्यू जो है दैट इज़ 18.2, ये उस लोन की वैल्यू है 18.2 मिलियन। कॉर्पोरेट टैक्स हमें दिया हुआ है 30%, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें दिया हुआ है 16.6% एंड इन्फ्लेशन हमें दी हुई है 6%। अब देखो गाइस, हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, इन्फ्लेशन दी हुई है, और हमेशा हमें क्या निकालना होता है, रियल रेट ऑफ रिटर्न, हमें रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालना होता है, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सबको वो फॉर्मूला याद है रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का, तो वहां से हम रियल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे एंड उसके बाद हम अपना आंसर निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा नेट ऑपरेटिंग फ्लो कितना है, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है, मतलब कितना कैश हमें नेट आएगा। तो रेवेन्यू इतना है मतलब इतना कैश हमें आएगा, सो 350 इतना आएगा, प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हमारे हुए हैं तो 210 माइनस हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 24 है तो 24 हमारे यहां से माइनस हो जाएंगे, तो दैट मींस हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन इट इज 350 माइनस 210 माइनस 24, सो 116 का मेरा क्या आ रहेगा यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैं डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करूंगा बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो डेप्रिसिएशन मैं यहां से माइनस नहीं करूंगा। लेकिन यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर मुझे निकालना है कि मुझे कितना टैक्स पे करना है, मैं टैक्स इस पर पे करूंगा। प्रॉफिट में से मैं डेप्रिसिएशन की फिगर विच इज 31 मिलियन ये भी माइनस करूंगा, तो मेरा 116 माइनस 31 दैट मींस जो 85 आएगा इसके ऊपर ही मेरा टैक्स कैलकुलेट होगा, तो मेरा टैक्स आउटफ्लो कितना हो रहा है यहाँ पे, तो मैं 116 के ऊपर टैक्स परसेंटेज नहीं निकालूंगा, मैं जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट के ऊपर मैं टैक्स निकालूंगा, तो इट इज 85 × 30%, सो दैट मींस 25.5 ये आएगा मेरा एक्चुअल टैक्स फ्लो जो मैं कैश दूंगा टैक्स के लिए। इसके ऊपर मैं टैक्स नहीं कैलकुलेट करूंगा क्योंकि टैक्स निकालने के लिए मुझे इसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी है, इट्स नॉट अ कैश एक्सपेंस, तो मैं कैश एक्सपेंस को मैं कैश फ्लो निकालने के लिए माइनस नहीं करता या एडबैक कर देता हूँ, हमने इतनी बार कैश फ्लो वगैरह सब कुछ पढ़े हैं, तो इसीलिए मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस नहीं करी, लेकिन टैक्स निकालने के लिए मुझे इसको माइनस करना पड़ा। या फिर इसका जो दूसरा तरीका है, ये तो है सिंपल तरीका, या दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बोलता हूँ, इसके ऊपर जो मेरा टैक्स बनता है 116 × 30% ये मेरा है 34.8 मेरा इसके ऊपर क्या बनता है गाइस, टैक्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक्चुअली बताऊं तो जो भी मैंने डेप्रिसिएशन करी है, तुम्हें याद होगा हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है कि डेप्रिसिएशन के ऊपर हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा टैक्स बचता है, तो टेक्निकली इतना टैक्स था तो 31 31 into 30%
दैट मीन्स 9.3 का मेरा टैक्स बच जाएगा, तो नेट जो मुझे टैक्स पे करना होगा कैश में इट विल बी 34.8 माइनस 9.3, सो 25.5 इतना टैक्स मुझे एक्चुअली पे करना पड़ेगा। मुझे हमेशा ये देखना है कि मुझे टैक्स एक्चुअली कितना पे करना है, तो वो कितना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर मैं टैक्स पे करता हूँ, है ना, यही होता है। तो मैंने क्या किया, या तो मैंने जैसे पहले बताया था इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके टैक्स निकाल दिया, या फिर मैंने क्या किया इसके ऊपर अपना टैक्स निकाला और जो इस नॉन कैश एक्सपेंस की वजह से मेरे को टैक्स बच रहा है वो मैंने टैक्स फिगर में से माइनस करके नेट निकाल दिया कि कितना मैं टैक्स पे करूँगा। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो मेरा नेट, जो मेरा अभी इनफ्लो है, अभी नेट नहीं आएगा, अभी जो मेरा इनफ्लो होगा एवरी ईयर इट विल बी 116, इतना मेरे पास कैश इनफ्लो है ऑपरेटिंग इनफ्लो, माइनस जो मैंने 25.5 टैक्स पे कर दिया, सो 90.5 का मेरे पास क्या आ गया, एक इनफ्लो 95 का आ गया मेरे पास इनफ्लो। अब मुझे निकालना है नेट इनफ्लो कि 90.5 मेरे पास आया और 48 मिलियन का ऑलरेडी मैंने खर्चा कर दिया है, तो ये मेरा आउटफ्लो है, इतना हर साल इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, तो 90.5 माइनस 48 तो 42.5 मेरा आ गया नेट इनफ्लो। सो नेट इनफ्लो कितना आया मेरा 42.5, ठीक है गाइस। सो ये निकाला मैंने नेट इनफ्लो। अब ये निकालने के बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो सिंपल मैं थोड़ा इजी में चलता हूँ यहाँ पे, इट इज 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस एच। आई क्या होता था हमारा, आई होता था हमारा WACC वेरिड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और एच होता था हमारा इट वॉज ग्रोथ, ठीक है, 1 प्लस आई और 1 प्लस एच। तो यहाँ से हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1 प्लस आई इज 1.166 डिवाइड बाय 1.06, तो 1.166 डिवाइड बाय 1.06 जो भी आंसर है उसमें से माइनस कर देता हूँ 1, सो आर मेरा आ गया गाइस 10% और 0.10, आर मेरा आ गया 10% और 0.10। जैसा कि मैंने बताया था गाइस, यहाँ पे सारे पुराने फॉर्मूले मुझे जो है वो यूज़ करने, ठीक है, चलो आर आ गया, ये आ गया। अब मुझे गाइस क्या करना है यहाँ पे, अब देखो गाइस मेरे को आर पता चल गया और यहाँ लिखा हुआ है दीज कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एवरी ईयर फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, कि पूरी लाइफ मेरे पास इतने पैसे आएंगे। और ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ईयर है ना, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है कि पहले साल इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इसका मतलब है कि हर साल मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तभी मैंने नेट कैश फ्लो यहाँ पे कंसिडर करें, ठीक है। तो हर साल हमें नेट इतना कैश, कितना कहाँ लिखा है इतना हर साल मुझे इतना कैश आएगा फॉर परपैचुटी। तो उस केस में अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपैचुटी होता है जो भी हमें रिटर्न आ रहा है 42.5 डिवाइडेड बाय हम करते थे जो भी हमारा रेट ऑफ रिटर्न है विच इज 0.10, तो इट इज 425 मिलियन। तो 425 मिलियन की आ रही है मेरी प्रेजेंट वैल्यू, तो ये होगी मेरी वैल्यूएशन विच इज इक्विटी प्लस डेट। ये जो वैल्यूएशन है ये इक्विटी और डेट की मिला के है गाइस, ठीक है, ये जो वैल्यूएशन है ये इक्विटी और डेट की मिला के है। तो हमने लास्ट स्टेप जो करना है अपना इंपॉर्टेंट स्टेप, वो क्या करना है कि इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा जो डेट है, करंट वैल्यू ऑफ डेट इट इज 18.2 मिलियन। सो 425 माइनस 18.2 मिलियन, सो दिस इज 406.8, ये आ रही है मेरी करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की मेरी वैल्यू आ रही है 406.8। तो सबसे पहले मैंने देखा मेरे पास कैश फ्लो कितना आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, उसमें से मैंने टैक्स जो मेरा एक्चुअल बनता था वो माइनस करके अपना इनफ्लो निकाल दिया, उसमें से मैंने माइनस कर दिया जो भी मेरा आउटफ्लो हो रहा है, ये माइनस करने के बाद मेरे पास नेट इनफ्लो आ गया। देन मैंने निकाला अपना आर, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न, कैसे 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस एच, दैट मीन्स वेरिड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और अपना एच यानी ग्रोथ को माइनस करके, तो मेरा आर आ गया, आर मुझे मिल गया, मुझे ये पता चल गया। तो यहाँ से मैंने अपना आंसर गाइस सिंपल निकाल दिया।
ठीक है। इस तरह से गाइस हम अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसकी 1-2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, तुम्हारा आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस ये है हमारा टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 7। अगर तुम ये देखो, ये एग्जैक्टली जो हमने सेम क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था, ये एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन है, 100%, बस फिगर्स अलग है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम कर लेना। ठीक है, चलो अब उसके बाद आता है हमारा जो ये हमने पढ़ा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, इससे वैल्यूएशन निकालने के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो पहला फायदा है कि थोरेटिकली इट इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि इसमें हम जो बिजनेस हमें हर साल रिटर्न दे रहा है, हर साल जो हमें कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, उसके बेस पे वैल्यूएशन निकाल रहे हैं हम। सिंपल प्रॉफिट या डिविडेंड के बेस पे नहीं निकाल रहे, हम जो कैश हमें रिसीव हो रहा है उसी से पता चल रहा है कि बिजनेस की वैल्यूएशन क्या है। प्रॉफिट तो बहुत सारी कंपनी के पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कैश नेगेटिव होता है, कैश फ्लो नेगेटिव होता है, ठीक है ना, कैश नहीं आ रहा, तो वहाँ पे भी इश्यूज आते हैं। तो हम थोरेटिकली बेस्ट मेथड इसको कंसिडर करते हैं, और इट कैन बी यूज टू वैल्यू पार्ट ऑफ द कंपनी, हम कई बार पार्ट ऑफ द कंपनी की वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। इसका नुकसान क्या है, पहला इट रिलाइज ऑन द एस्टिमेट कैश फ्लो, के फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उतना ही कैश फ्लो आएगा, एंड डिस्काउंट रेट, के डिस्काउंट रेट हमारा ये चलेगा। सेकंड, टाइम हॉरिजॉन सिलेक्ट करना एक बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब तुम ये नहीं कह सकते कि ये बिजनेस अगले 15 सालों में मुझे इतना रिटर्न देगा, पूरी लाइफ में मुझे इतना रिटर्न देगा, या 3 सालों में मुझे इतना रिटर्न देगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है एक टाइम हॉरिजॉन निकालना, कि हम ये नहीं निकाल सकते कि मेरा जो बिजनेस है वो हर साल मुझे इतना रिटर्न देगा, कितनी ग्रोथ होगी, कब तक ग्रोथ होगी, वी कैन नॉट से दैट। दूसरा, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद हम वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते, या तो हम सीधा जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा है हम टिल परपेचुटी निकालते हैं, या फिर हम 3-5 साल की निकाल सकते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि अगले 50 साल तक हमें इतना रिटर्न आएगा तो उसके बेस पर वैल्यूएशन निकालो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एंड वी अज्यूम दैट द डिस्काउंट रेट, टैक्स एंड इन्फ्लेशन रेट्स आर कॉन्स्टेंट थ्रू द पीरियड, हम मानते हैं डिस्काउंट रेट भी सेम रहेगा हर साल का, जो टैक्स रेट है वो भी सेम है, और इन्फ्लेशन भी उसी रेट पर चलेगी, तो ये एक हमारा इशू होता है। अब आता है गाइस हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वैल्यूएशन पोस्ट टेक ओवर। सो नेक्स्ट इज, इट मे बी नेसेसरी टू एस्टिमेट द वैल्यूएशन ऑफ कंपनी फॉलोइंग और टेक ओवर ऑफ अनदर कंपनी। इन दिस सिचुएशन व्हेन एस्टिमेटिंग द इफेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक इन टू अकाउंट, हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, पहला सिनर्जी। सिनर्जी मतलब जब दो कंपनीज मिलती हैं उससे फायदा क्या होता है, दो कंपनी जब मिलती हैं उससे फायदा क्या होता है। तो एनी सिनर्जी अराइजिंग फ्रॉम द टेक ओवर वुड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कंपनी। दूसरा, मेथड ऑफ फाइनेंसिंग द टेक ओवर, इफ कैश इज यूज टू फाइनेंस द टेक ओवर देन वैल्यू ऑफ द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, क्योंकि हम कैश दे रहे हैं तो कैश जाएगा। एंड इफ शेयर्स आर यूज टू फाइनेंस द टेक ओवर देन एक्स्ट्रा शेयर्स इशू नीड टू टेक इन टू अकाउंट वेन कैलकुलेटिंग वैल्यू पर शेयर, कि अगर हम कैश दे रहे हैं वैल्यूएशन के लिए दूसरे बिजनेस को परचेज करने के लिए, तो कैश हमें चाहिए होगा तो वो हमारी वैल्यूएशन में फ़र्क पड़ेगा, और अगर हम एक्स्ट्रा शेयर्स दे रहे हैं तो टोटैलिटी में फ़र्क भले ही ना पड़े, लेकिन वैल्यू पर शेयर में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, बस वन क्वेश्चन, एंड फिर आज की वीडियो में मैं इतना ही कराऊंगा, बस ये एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आगे मोस्टली तुम्हारे क्वेश्चंस है वो तुम कर लेना, फिर थ्योरी वाला पार्ट है वो आई विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो सो हम करते हैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 8। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, बॉस्टन कंपनी इज ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी एंड हैज 10 मिलियन शेयर्स इन द इशू, इसके 10 मिलियन शेयर्स मार्केट में है, इट्स शेयर प्राइस इज 540 सेंट पर शेयर, दैट मीन्स $5.40 पर शेयर, शेयर प्राइस दैट मीन्स मार्केट प्राइस, इट इज कंसिडरिंग अ टेक ओवर ऑफ रेड सॉक्स कंपनी ऑफ द सेम इंडस्ट्री, ओके, रेड सॉक्स कंपनी हैज ऑल्सो ऑल इक्विटी फाइनेंस एंड हैज 5 मिलियन शेयर ऑफ द इशू, इसके 10 मिलियन है, उसके 5 मिलियन शेयर हैं, शेयर प्राइस ऑफ रेड सॉक्स कंपनी इज 270 सेंट पर शेयर, दैट मीन्स $2.70 पर शेयर इसकी वैल्यू है। ठीक है, The takeover is likely to result in synergy gains of both worth 5 million. कि अगर takeover होता है, अगर Boston company, Red Sox company को takeover करती है, तो इसकी जो valuation है, वो $5 million से बढ़ जाएगी. इसको $5 million से इसकी valuation बढ़ जाएगी, इसको फायदा होगा. Okay? The financial advisor of Boston company have indicated that if the offer is made at 20% premium,
to the current market price, it is likely to be acceptable in the shareholder of Red Sox Limited. कि जो भी Red Sox Limited के शेयर के current price है, अगर उसका, ध्यान से सुनना, अगर इसका हम 20% प्रीमियम उनको देते हैं, कि Red Sox के shareholders को बोलते हैं कि भाई इतना $2.70 तुम्हारी आज की value है, हम उसमें 20% add करके, that means 2.70 plus 20%, that means हम तुम्हें per share $3.24 देंगे, तुम अपने shares हमें बेच दो. हमने जितने भी investors से Red Sox company के, हमने बोला, हम तुम्हारी company को take over करना चाहते हैं, तो तुम्हारे एक share की value 2.70 है, हमें इतने shares दे, हमें, हम इतने का एक share तुम्हार से ले लेंगे, ठीक है? हम इतने का एक शेयर तुम्हारे से ले लेंगे. तो अब हमें बताना है कि बॉस्टन कंपनी की इसके बाद वैल्यूएशन क्या होगी. सो इफ बॉस्टन कंपनी हैज सफिशिएंट कैश अवेलेबल टू फाइनेंस द टेक ओवर, एस्टीमेट द टोटल वैल्यू ऑफ बॉस्टन कंपनी पोस्ट टेक ओवर, की टोटल वैल्यू बॉस्टन कंपनी की क्या होगी. देखो गाइस, सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लॉजिक लगाना है. आज की डेट में बॉस्टन कंपनी के हैं 10 मिलियन शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू है 5.40. सो 10 मिलियन इंटू 5.40, so 10 into 5.40, that means $54 million, $54 million की हमारी इसकी कंपनी की वैल्यू है, बिजनेस वैल्यू. रेड सॉक्स कंपनी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी यहाँ पे, आज के उसके शेयर्स हैं 5 मिलियन, 5 मिलियन उसके शेयर्स हैं, और एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है इस 2.70, मार्केट वैल्यू इतनी है, हम उनके शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट. मार्केट वैल्यू 2.70 ही है. सो 2.70, सो 5 into 2.70, इट इज़ 13.5 मिलियन उसकी वैल्यू है. तो ये दोनों मर्ज होगी तो हमें इतना फ़ायदा होगा, ये दोनों मर्ज हो गई तो टोटल वैल्यूएशन हमारी कितनी होगी, नंबर ऑफ शेयर्स दिस प्लस दिस, और ये दोनों प्राइस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतनी मेरी आज की वैल्यू होगी, प्लस सिनर्जी करने के बाद मुझे टोटल $5 मिलियन का और फायदा होने वाला है. सिनर्जी करने के बाद मुझे $5 मिलियन, दैट मीन्स $5.0 मिलियन का और फायदा होने वाला है. तो मैंने अपने, मेरे शेयर की आज की वैल्यू इतनी है कंपनी की, उस कंपनी की आज की वैल्यू इतनी है, दोनों मर्ज होगी तो इतनी वैल्यू होगी, और मर्ज होने से मेरी वैल्यूएशन $5 मिलियन से भी बढ़ जाएगी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. अब ये तो है मेरा बिजनेस की वैल्यूएशन आज की. इसके लिए मैंने पैसे कितने दिए माइनस कैश पेड, मैंने कैश कितना पे किया, $5 मिलियन मैंने दिए, और $1 एक शेयर के लिए मैंने कितना पे करा, 3.24, एक शेयर के लिए मैंने 3.24 पे करा. तो 5 into 3.24, दैट इज 16.2 मिलियन, इतने पैसे मैंने दिए, इतने पैसे मैंने दिए टू एक्वायर द शेयर्स. तो दैट मीन्स मेरी जो एक्वायर करने के बाद जो मेरी वैल्यू हुई है, क्या सिनर्जी से मुझे फ़ायदा हुआ है, देखें, 54, पहले हमारी वैल्यू थी 54, प्लस 13.5, प्लस 5, माइनस 16.2, दैट मींस 56.3. यस, अब हमारी कंपनी की वैल्यूएशन 56.3 हो गई, बिफोर मर्जर इट वाज 54, अब हो गई 56.3. तो दैट मींस हमारा जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज हुई है सिनर्जी के बाद, बेसिकली मर्जर के बाद हमारी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी है, एंड इट इज़ रियली गुड थिंग, इट इज़ रियली अ गुड थिंग. ठीक है, अब इसके बाद गाइज नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इज, इसको हटा देते हैं, ये वाला पार्ट हटा देते हैं, पॉज करके देख लेना या थोड़ा सा बैक करके देख लेना. नेक्स्ट इज, इफ बॉस्टन कंपनी ऑफर अ शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज, कि हम ये बोलते हैं कि एक जो आपको है, हम अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे, हम आपको कैश नहीं दे रहे, हम आपको शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज दे रहे हैं इन द रेड सॉक्स कंपनी. एस्टिमेट टोटल वैल्यू ऑफ बॉस्टन कंपनी, कि मतलब अब तुम्हारे एक शेयर के बदले हम तुम्हें अपनी कंपनी का एक शेयर दे रहे हैं, ध्यान से, तुम्हारे शेयर के बदले हम तुम्हें अपनी कंपनी का एक शेयर दे रहे हैं, तुम्हारे शेयर के बदले हम तुम्हें अपनी कंपनी का एक शेयर दे रहे हैं, अब कितनी वैल्यूएशन हमारी होगी. सो यहाँ पे हमें अब क्या निकालना है, हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ एक शेयर क्या होगी बॉस्टन कंपनी की, जो हमें उसको देने पड़ेंगे, एन एस्टिमेटेड टोटल बॉस्टन वैल्यू आफ्टर पोस्ट टेक ओवर. अब देखो गाइस, यहाँ पे हमारा जो सिंपल सा लॉजिक है वो क्या है, जैसे पिछला पार्ट था, सेम वही पार्ट है, यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं है. इसमें क्या है, यहाँ पे भी हमने पोस्ट टेक ओवर वैल्यू वन करा था, है ना. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दी थी कि वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी होगी. तो हमारी जो वैल्यूएशन आई थी, इट वॉज 56.3 मिलियन डिवाइड बाई 10 मिलियन के हमारे शेयर हैं,
तो 5.63 डॉलर पर शेयर इज द मार्केट प्राइस आफ्टर द मर्जर, कि आफ्टर मर्जर हमारे शेयर की जो वैल्यू होगी इट इज 5.63। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या होगा, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ हमें बहुत ज़्यादा सोचना है, सेम जैसा हमने पढ़ा है सब कुछ वो है। हमें पता है कि आफ्टर मर्जर हमारी जो कंपनी की वैल्यू होगी इट विल बी 5.63। अब हमने कैश तो देना नहीं है, हमने उनको कैश तो देना नहीं है गाइज, बुक में मत देखना, सॉल्यूशन मत देखना, यू माइट गेट कन्फ्यूज, हमने कैश तो देना नहीं है। तो टोटल वैल्यू ऑफ बोस्टन पोस्ट टेक ओवर, ये जैसा हमने यहाँ निकाली है, इसमें और इसमें वैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं आएगा, हमें सिर्फ अब ये बताना है। और वैल्यूएशन ऑफ ईच शेयर ऑफ बोस्टन कंपनी वो भी हमारी 5.63 आएगी, वो भी हमारी इतनी ही आएगी, वैल्यूएशन में किसी में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों मेथड से सेम तरीका है। उसमें सिर्फ कैश पे किया था जो हमने माइनस किया था, इफ यू रिमेंबर 16.2 मिलियन जो हमने माइनस किया था, उसमें ध्यान से सुनना, उसमें हमने कैश में माइनस कर दिया कि इतना कैश पे किए, यहाँ पे कैश की जगह हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन, कि इतनी वैल्यू की हमने शेयर्स दे दी, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमें इशू करने हैं रेड सॉक्स कंपनी को। तो रेड सॉक्स कंपनी को हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई तेरी जो टोटल वैल्यू है जो हमें तेरे को देना है वो देना है 16.2 मिलियन, इतने पैसे हमें तेरे को देने, हमने प्रॉमिस किया है कि पर शेयर वैल्यू जो तेरी है उसमें 20% ऐड करके इतना पर शेयर हम देंगे, 5 मिलियन शेयर्स तेरे हैं, इतने पैसे हमें तेरे को टोटल देने हैं, इन देने हैं इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, नाउ कैश तो देना नहीं, तो दिस डिवाइडेड बाय पोस्ट वैल्यू पर शेयर, के मर्जर के बाद जो पोस्ट वैल्यू आती है इट इज़ 5.63, इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो 16.2 डिवाइड बाई 5.63 दैट मीन्स 2.877 इतने मिलियन शेयर्स हमें उसको देने पड़ेंगे, इतने मिलियन शेयर्स हमने उसको देने पड़ेंगे। तो सिंपल जो हमने पहले पढ़ा था, याद रखना गाइस कि चाहे शेयर्स में हो, चाहे शेयर्स में हो, चाहे कैश में, कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं है, पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू पर शेयर में कोई फ़र्क नहीं है, कि जो भी हमारी टोटल वैल्यू आती है डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वो कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या आ जाएगा, बस कि हमें अपने इतने शेयर्स उसको देने पड़ेंगे, हमें अपने इतने शेयर्स उसको देने पड़ेंगे, दैट्स इट, इतने हमें नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर्स आ गया, ये आ गया, दैट्स इट गाइस। इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है, इसको देख लेना, आगे जितनी भी ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स है ये कर लेना, बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है ये, लेट मी जस्ट चेक कितना ज़्यादा है, ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल इसमें अभी ज़्यादा नहीं है। हाँ गाइस, ये थ्योरी वाला है, तुम चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो, बाकी आई विल मेक द वीडियो एज अर्ली एज पॉसिबल, प्रैक्टिकल पार्ट जो इसके इंपॉर्टेंट था वो मैंने तुम्हें करा दिया, तो इसके क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं गाइस प्रैक्टिस करो, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ फॉर्मूले याद करने, ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।